राधे राधे एवरीवन। सो गाइस, जितना आप थंबनेल देखकर चौंक गए हो उतना ही मैं चौंक गया था जब मैंने शरद मल्होत्रा और सुमित मुद्गलकर के वोट्स को देखा। और दोनों को ही आपको पता होगा नॉमिनेट किया गया है IIA 7 में सेम कैटेगरी में, यानी कि बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ इंडियन टेलीविजन में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों सुमित के वोट्स कम पड़ते जा रहे हैं और शरद के वोट्स इतने स्पीड से बढ़ रहे हैं और दोनों के कितने वोट्स हो चुके हैं। सो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू सुमेलिका वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो सुमेलिका से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। सो गाइस, सुमित मुद्गलकर के कम वोट्स होने का कारण है कि सभी फैंस का ध्यान IIA 7 से हटकर चला गया है सुमित मुद्गलकर के 2 मिलियन पूरे होने पे। अब हर कोई हैशटैग सुमित हिट्स 2 मिलियन को यूज कर रहा है, ना कि हैशटैग IIA 7 सुमित को। इस वजह से सुमित और शरद के वोट्स में काफ़ी कम डिफरेंस रह गया है। सुमित के वोट्स की अगर मैं बात करूँ तो सुमित को अभी तक मिल चुके हैं 94,900 वोट्स। और वहीं शरद मल्होत्रा के वोट्स की बात करूं तो शरद मल्होत्रा को मिल चुके हैं 92,900 वोट्स। यानी कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो अप्रॉक्स 2,000 वोट्स का ही डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है। और अगर मैं फॉलोअर्स की बात करूं, फैन बेस की बात करूं, तो सुमित के 19 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैन बेस है जो कि 20 लाख होने वाला है। और वहीं शरद मल्होत्रा का फैन बेस सुमित के कंपेयर में काफ़ी छोटा है, सिर्फ और सिर्फ 13 लाख फॉलोअर्स। एंड 20 लाख फॉलोअर्स अप्रोक्स होने के बाद भी वोटिंग स्पीड काफ़ी कम हो गई है सुमित की, क्योंकि सभी कोई डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं सुमित हिट्स 2 मिलियन पे। सो गाइस, 2 मिलियन का सेलिब्रेशन तो हो ही जाएगा जब भी उनके 2 मिलियन होंगे, लेकिन एक बार अवार्ड हार्ट से गया तो वो फिर नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने वोट किया है नहीं किया है, एक बार फिर से जो है आप वोट कर दीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी आप चलाते हो, जल्दी जाइए वोट कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट भी सुमित को जिता सकता है। एंड गाइस, यहाँ पे कोई शरद के अगेंस्ट बैटल नहीं चल रही है, यहाँ हम अपने आइडियल को जिताने का ट्राई कर रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग समझ रहे हैं कि सुमित ही जीतेंगे उनको पता चल सके कि शरद के फैंस कितने ज़्यादा उनको जिताने में लगे हुए हैं। सो गाइस, जल्दी से शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक।